हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस, लर्न इजिली एंड स्मार्टली। तो आज हम देखने वाले हैं थर्ड एप्लीकेशन ऑफ द एम्पियर सर्कुलर लॉ, जिसमें कवर करेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करेंट कैरिंग टोरॉइड, या फिर उसी को बोलते हैं टोरॉइडल सोलिनॉइड। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी, वो भी टोरॉइड की वजह से जिसमें से इलेक्ट्रिक करेंट कैरी कर रहा है। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि टोरॉइड क्या है। ओके, तो जैसे कि स्टूडेंट्स पिछले वीडियो में हमने देखे थे कि सोलेनोइड क्या होता है, एक स्प्रिंग शेप में होता है, राइट, एंड वहाँ पे सिंपली इस टाइप से वायरिंग्स का वाइंड अप होता है। ओके, तो बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, इस पूरे अगर रिंग को पकड़ के, इस पूरे सोलेनोइड को हमने मोड़ दिए, इन द फॉर्म ऑफ द रिंग बना दी, राइट, लाइक दिस। यानी कि जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, ये एक सोलेनोइड ही है, बट इसको पकड़ के हमने इसे मोड़ के एक रिंग शेप दे दिए, तो उसको हम बोलते हैं टोरॉइड। ओके, यही है सिंपली टोरॉइड, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ भी स्टूडेंट्स कि अगर सोलेनोइड को हम बेंड कर दे इन द फॉर्म ऑफ द क्लोज रिंग, ओके, तो उसको हम बोलते हैं टोरॉइड। ओके स्टूडेंट्स, आई होप इतना तो क्लियर हो गया होगा। तो डायग्राम से भी क्लियर है, यहाँ पे क्या है कि जो वायरिंग है वो लपेटी गई है, राइट, इस टाइप से। तो सिंपल सी बात है, अब हमको इस टोरॉइड की वजह से तीन जगह पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करना है। द वेरी फर्स्ट इस एक पॉइंट पी पर भी फाइंड करना है। ओके, यानी कि हमने इसके अंदर में ले लिए, जो स्पेस दिख रहा है आपको, इस स्पेस में एक पॉइंट पी लिए जहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करना है। एक बार हम बाहर लेट करेंगे और वहाँ पे भी हमको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करना होगा। थर्ड टाइम हम इस रिंग के अंदर में कहीं भी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। ओके, आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा स्टूडेंट्स, सपोज कर रहे हैं कि यहाँ पे जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक करंट की वो इस टाइप से है। ओके, यानी कि यहाँ से आ रही है, फिर ये पीछे जा रही है, फिर यहाँ से आ रही है, फिर ये पीछे जा रही है, फिर यहाँ से आ रही है, तो इस टाइप से हो रहा है। तो इस कंडीशन में अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी हो, तो बिना किसी रूल के मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब कभी अगर आपके पास सोलेनोइड की बात आती है एंड सोलेनोइड में अगर वहाँ पे सर्कुलर शेप है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो अलोंग द टेंजेंशियल होती है, ये आपको पता होना चाहिए। आई होप अगर आपने हमारी पिछली वीडियो लगातार देखते हुए आए हैं तो आपको ये एनीवेज पता होगा कि टेंजेंशियल ही होती है इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर। जब भी हम बात कर रहे हैं अगर एम्पियर की पॉइंट ऑफ व्यू से, एम्पियर के सर्कुलर लॉ के बेस पे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा टेंजेंशियल ही रही है। ओके, बट एनीवेज मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। जैसे सपोज मैं बात करूँ कि इस पॉइंट पे मेरे को फाइंड करना है। ओके, तो इस कंडीशन में आप देखिए इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन थंब के रूल में होती है, एंड जो फिंगर होती है कर्ल, वो आपको दिखाती है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, राइट। तो आपको दिख रहा है ऐसे जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे सिंपल सी बात है, इस टाइप से हमको मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, तो आपको दिख भी रहा है कि टेंजेंशियल है। ओके स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे लिखा हुआ भी कि जो आपको डायरेक्शन दिख रही है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी कि टेंजेंशियल चल रही है। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके डेरिवेशन की। तो डेरिवेशन को समझने के पहले हमको इसका सेक्शनल व्यू ऑफ टोरॉइड देखना पड़ेगा, यानी कि अगर हम उसको डायग्रामेटिक वे से रिप्रेजेंट करें कि डेरिवेशन के लिए किस टाइप से ये यूजफुल होगा, तो चलिए समझाते हैं, देखते हैं उसको। तो ये एक्चुअली स्टूडेंट्स आपको टोरॉइड का सेक्शनल व्यू दिख रहा है। ओके, जो टोरॉइड है वो एक्चुअली आपको जहाँ डॉट डॉट दिख रहा है एंड जो क्रॉस क्रॉस दिख रहा है, एग्जैक्टली यही टोरॉइड है। ओके, इसके लिए मैंने शेड भी कर दिया आपको, ताकि कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं हो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो वायर है उसको राउंड अप इस टाइप से किया गया है। ओके, जो डॉट है वहां से बाहर आ रही है, क्रॉस से अंदर जा रही है, तो इस टाइप से यहाँ पे बाउंड किया गया है उस वायर को। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। तो अब हमको इस टोरॉइड की वजह से तीन पॉइंट पे, तीन जगह पे हमको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करना है। तो वेरी फर्स्ट इंटरनल में आपको दिख रहा है ये पॉइंट है, सपोज करें एक पॉइंट पी है। ओके, इंटरनल स्पेस में हम एक पॉइंट लेट करें कि एक पॉइंट पी है। ओके, सपोज कीजिए ये एक पॉइंट पी है, यहाँ पे एक बार जज करना है। एक बार हम आउटसाइड लेंगे, यानी कि सपोज करें यहाँ पे एक पॉइंट लिया गया है। ओके, यहाँ पे आपको यहाँ लिखा हुआ है वैसे क्यू, यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। एंड एक बार हम इस टोरॉइड के बीच में, यानी कि यहाँ कहीं ले रहे हैं। ओके, तो तीन पॉइंट आपको क्लियर हो गए, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ पे, एंड एक बार आप बोल सकते हैं सिंपली यहाँ पे। तो तीन जगह पे हमको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए वन बाय वन बात करते हैं कि सबसे पहले अगर हम लें कि जो इंटरनल स्पेस है, अगर यहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करना है इस पॉइंट पी पर, तो एम्पियर का सर्कुलर लॉ क्या बोलता है कि आप सबसे पहले एक क्लोज लूप प्रिटेंड कीजिए, एंड बिना क्लोज लूप के आप कुछ भी नहीं कर सकते, राइट। तो हम एम्पेरियन लूप बोलते हैं उसको, या फिर आप सिंपल एम्पियर्स लूप बोल सकते हैं। तो वहां से हम लेट करें कि हमारे पास ये एक रिंग बन गया, ओके, सर्कल बन गया। अब एम्पियर्स का सर्कुलर लॉ का सबसे बड़ा एप्लीकेशन है वो हमको ये जज करना पड़ता है कि जो भी आपने लूप बनाया है उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक करंट है या नहीं है। ओके, तो
चलिए अप्लाई करते हैं उस पर। तो सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, इस सर्कल के अंदर आपको कहीं पे भी इलेक्ट्रिक करंट मिल रही क्या? नहीं, वो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट, राइट, ये जो आपको दिख रहा है ये इलेक्ट्रिक करंट आपको यहाँ पे दिख रही है, पर यहाँ पे अंदर कहीं है क्या? नहीं। तो जो इलेक्ट्रिक करंट है इस एम्पियर के लूप पे वो कितनी है? जीरो है। तो जो एम्पियर का सर्किटल लॉ है दैट इज बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई, ओके, या फिर आप उसको इंटीग्रेशन फॉर्म में बोल सकते हैं कि लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो उसमें क्या करेंगे हम, सिंपल सी बात है वैल्यू पुट अप कर देंगे एंड जो टोटल इलेक्ट्रिक करंट मिल रही है वो हो जाएगी जीरो। तो उसकी वजह से बेसिकली ओवरऑल जो मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड द टोरॉइड वो क्या हो जाएगा? जीरो। तो चलिए उसका डेरिवेशन देखते हैं पहले। तो बेसिकली वही लिखा हुआ है कि जो हमने पहले पॉइंट लिए हैं वो लिए हैं इंटीरियर स्पेस में, ओके, उस टोरॉइड के। तो वहां पे हमने जो रेडियस लिए थे वो कितनी रेडियस थी? तो सबसे पहले जो इंटरनल जो उसकी रेडियस थी उसको लेट किया गया है आर वन एंड इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कैपिटल आई उसमें से फॉलो की जा रही है। तो जो लूप हो जाएगा यानी कि उस लूप की जो लेंथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यानी कि सर्कल का सर्कमफेरेंस लेंगे, राइट, तो होता है 2πr एंड जो रेडियस है वहाँ पे आर वन है, ओके। नाउ अब हम अप्लाई करेंगे एम्पियर का सर्कुलर लॉ, तो होता है बी वन एल वन इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई। बी वन क्यों? कि सबसे पहले हम फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड कर रहे हैं तो उसको बी वन नाम दिया गया है। तो बी वन इंटू एल वन इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई हो जाएगा। यहाँ पे आई क्या है? जीरो है, तो ओवरऑल ये जीरो हो जाएगी। तो यहाँ से जो बी हमको मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी मिलने वाली है वो भी जीरो हो जाएगी बेसिकली। तो यहाँ से कंक्लूजन पॉइंट ये मिल रहा है स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास टोरॉइड है तो उसके इंटरनल स्पेस में कहीं पे भी मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी हमेशा जीरो ही होगी, ओके। चलिए बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जो पॉइंट है वो टोरॉइड के इनसाइड पे। चलिए डायग्राम से समझते हैं इसको। सो अब जो पॉइंट ले रहे हैं हम इस पॉइंट पे ले रहे हैं एंड जो यहाँ पे रेडियस है वो स्मॉल आर है, इलेक्ट्रिक करेंट जो है बेसिकली वो आई होगी, राइट। तो चलिए अब देखते हैं कि क्योंकि हमको इस पॉइंट पर हमको मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करनी है तो यहाँ से हम एक लूप लेंगे जिसको हम बोलते हैं एम्पियर का लूप, राइट। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट है कि नहीं? हाँ, इसके लूप के अंदर हमको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट है, ओके, सो दैट्स फाइन, इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, ओके। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि कितने नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो कैपिटल एन नंबर ऑफ जो हैं वो हमारे पास टर्न्स हैं, तो कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ लूप्स को एंड जो लेंथ है इसकी पूरी वो हम ले रहे हैं कैपिटल एल, ओके। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है एक, आपको पता भी होगा कि स्मॉल एन इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज कैपिटल एन अपॉन एल। स्मॉल एन को क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, राइट। तो यहाँ हमको पता है, तो चलिए इस पे सिंपली हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे एंड इस समय जो रेडियस है वो हमने लेट किए थे स्मॉल आर है। तो अप्लाई करते हैं डेरिवेशन पे। तो सेकंड पॉइंट स्टूडेंट्स वही है कि जो हम पॉइंट ले रहे हैं वो टोरॉइड के अंदर में, ओके, एंड जो थ्योरी मैंने आपको बताया कि रेडियस आर लिए हैं तो लेंथ हो जाएगी अगेन 2πr फॉर दैट सर्कमफेरेंस ऑफ दैट सर्कल, ओके। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं यहाँ पे बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू आई, ओके। यहाँ पे आई एक्चुअली स्टूडेंट्स जो है वो एक टर्न में से जा रही है, राइट, एंड हमारे पास कितने नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन, तो जो टोटल करंट होगी वो कितनी हो जाएगी, दैट इज कैपिटल एन इनटू आई, राइट। ये कंसेप्ट वैसे हमने आपको पहले ही बताया हुए, राइट, तो इसलिए यहाँ पे जो फॉर्मूला लिया गया है बी इंटू एल इज इक्वल टू मी नॉट इंटू आई डैश लिया गया है। आई डैश का मतलब है यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक करंट कितनी है। तो हमने यहाँ पे आपको बताया कि एक जो बेसिकली लूप है इस लूप में इलेक्ट्रिक करंट आई सप्लाई हो रही है, ऐसे हमारे पास एन नंबर ऑफ कैपिटल एन जो है वो है नंबर ऑफ टर्न्स से, तो टोटल इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगी कैपिटल एन इंटू कैपिटल आई। तो इसके जगह हम रख देंगे सिंपली कैपिटल एन इंटू कैपिटल आई जो कि टोटल करंट है। तो ये हो जाएगा बी इंटू एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, एंड यहाँ पे जो एल है वो हमने कितना फाइंड किए थे, वो फाइंड किए थे 2πr है, राइट, तो हो जाएगा बी इंटू 2πr इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई, ओके स्टूडेंट्स। अब हमको यहाँ फाइंड क्या करना है, हमको फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड, 2πr को जो ट्रांसपोज कर देंगे तो अपॉन में चले जाएगा, तो ये हो जाएगा कैपिटल बी दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू आई अपॉन 2πr, राइट, इतना क्लियर है। अब यहाँ पे हमको पता है जो स्मॉल एन होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, राइट, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, जो कैपिटल एन है वो स्मॉल एन इंटू कैपिटल एल है, ओके। तो इस कैपिटल एन के बदले हम क्या रख सकते हैं, स्मॉल एन इंटू एल, एंड जो एल है वो कितना है, उस टोरॉइड की अगर पूरी लेंथ की बात करें तो होता है 2πr जो कि रेडियस आर के बेस पे हमने अभी एम्पियर का लूप लिए थे, राइट, तो ये हो जाएगा सिंपली कैपिटल एन के बदले रखेंगे हम स्मॉल एन इंटू 2πr, जैसे ही वैल्यू पुट अप करेंगे तो जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एंड एन के बदले आएगा 2πr इंटू स्मॉल एन एंड आई जो है वो एज इट इज रहेगा, ओके, अपॉन में 2πr था तो 2πr से 2πr कैंसिल हो जाएगा, हमको मिल जाएगा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू एन इंटू कैपिटल आई दैट इज इलेक्ट्रिक करंट।
तो ये था बेसिकली स्टूडेंट्स कि अगर हम पॉइंट ले रहे हैं टोरॉइड के अंदर पे, तो उस समय मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी दैट इज म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द स्मॉल एन इनटू कैपिटल आई। ओके, इतना क्लियर है। इसका लास्ट केस देखते हैं चलिए, जहां पे हम ये जो पॉइंट ले रहे हैं वो एक्सटेरियर स्पेस ले रहे हैं, यानी कि टोरॉइड के बाहर साइड पे जो एक स्पेस है वहां पे हम पॉइंट लेट करने वाले हैं। चलिए डायग्राम से समझते हैं। सो हमारे पास जो टोरॉइड है बेसिकली ये टोरॉइड है स्टूडेंट्स, राइट। अब हमको इसके बाहर एक पॉइंट लेना है जो कि ये पॉइंट हमने क्यू लिए थे, एंड जो अभी समय रेडियस ले रहे हैं वो ले रहे हैं हम आर थ्री। ओके, आर थ्री फॉर द एग्जिट वन। तो क्योंकि हमको यहाँ पे फाइंड करना है तो यहाँ से हम एक एम्पियर लूप कंसिडर करेंगे, लेट करेंगे, एंड हमको रेडियस मिल जाएगी सिंपली आर थ्री। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझना है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट है, हाँ है, बट प्रॉब्लम है यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कैसे हो रहा है आप समझिए। यहाँ से बाहर आ रहा है यानी कि ऐसे है, फिर नीचे से भी उतना जा रहा है, यानी कि अगर मैं डायग्राम से दिखाऊं ये जो है इलेक्ट्रिक करंट ऐसे आया, यहाँ से पीछे से इस टाइप से गया, फिर यहाँ से ऐसा आया, राइट। यानी कि आप एक चीज समझिए स्टूडेंट्स, एक्चुअली वो सर्कल है, आपको थ्री डायमेंशनल में शो नहीं कर सकता ये चीज, आप इतना समझिए कि जो हम वायर का बाउंड करते हैं वो इस टाइप से करते हैं, राइट, सर्कल टू सर्कल टू सर्कल लाइक दिस स्प्रिंग, एग्जैक्टली। तो यहां पे सोचिए इलेक्ट्रिक करंट एक ही जगह पे डाउनवर्ड भी हो रही है एंड बैकवर्ड भी हो रही है, आई मीन यहां पे इलेक्ट्रिक करंट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों साइड पे चल रही है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों साइड जा रही है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं, जैसे सपोज कीजिए हमारे पास ये है, राइट, हैंड है, एंड यहां से एक इलेक्ट्रिक करंट जा रही डाउनवर्ड, तो वहीं पे दूसरे साइड से इलेक्ट्रिक करंट ऊपर भी आ रही, राइट। ओके स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको सिंपल वे से दिखाना चाहूं तो मैं ये बोल सकता हूं, यहां से देखिए इलेक्ट्रिक करंट पहले नीचे जा रही है, राइट, एक साइड से जा रही है, तो इसको हम रिलेट कर रहे हैं कि ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक करंट है दैट इज आई, एंड इसको रिप्रेजेंट करते हैं अगर वहीं दूसरे साइड से इलेक्ट्रिक करंट ऊपर आ रही है तो आप उसको रिलेट क्या करेंगे, माइनस आई। तो आई एंड माइनस आई, ओवरऑल इलेक्ट्रिक करंट कितनी हो जाएगी, अगेन इट विल बिकम द जीरो, क्योंकि वो डाउनवर्ड भी जा रही है एंड अपवर्ड भी आ रही है, राइट। तो आप सोचिए यहां से वो इलेक्ट्रिक करंट इस साइड से आ रहे हैं लेकिन पीछे से वापस जा भी रहा है, तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगी क्योंकि आई एंड माइनस आई ओवरऑल विल बिकम द जीरो। ओके, जब इलेक्ट्रिक करंट ही जीरो हो गई ओवरऑल मिला के, तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो वही चलिए देखते हैं डेरिवेशन में क्या लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे थ्योरी के फॉर्म में वही लिखा हुआ है कि ओवरऑल इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगी। ओके, एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक करंट कमिंग आउट हो रही है उतनी ही गोइंग इनटू भी जा रही है, यानी कि जितनी आ रही है वहां से उतनी इलेक्ट्रिक करंट जा भी रही है, तो ओवरऑल इलेक्ट्रिक करंट जीरो हो जाएगी क्योंकि हम अलग अलग डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट को एक बार पॉजिटिव लेते हैं एंड एक बार नेगेटिव लेते हैं। ओके, सो ओवरऑल इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगी जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी भी हो जाएगी जीरो। ओके स्टूडेंट्स, आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।